नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के ज़माने में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे ये स्कैमर जो है, ये फ्रॉड लोग जो है, उसके फ़ोन इसके नंबर पे ना आया हो। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है वो होशियार होते हैं, इसकी स्कीम में वो नहीं आते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं, इसका पैसा डिडक्ट नहीं होता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होता है कि जिसके ये स्कैमर के बारे में वो नहीं जानते और ये स्कीम के प्रभाव में आ जाने के बाद उसका काफ़ी सारा पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो इसी तरह ये जो अभी अभी वीडियो आया है वो फ़ोन पे में ये स्कीमर जो है वो 9000 रुपये का वाउचर सेंड करते हैं और वो फ़ोन करके बोलता है कि आप ये उस पर क्लिक करिए और ये खाता आपके खाता में 9000 रुपये डायरेक्ट जमा हो जाएगा। लेकिन वो होशियार था तो उसके अकाउंट में से डिडक्ट नहीं हुआ है। लेकिन आपको भी ये वीडियो देखकर सतर्क हो जाने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। गाँव में ये ज़्यादा होता है और सिटी में कम होता है, क्योंकि गांव में ये प्रभाव, गांव के लोग जो है वो भोले भाले होते हैं और इन लोगों के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। तो कैसे ये स्कैमर जो है वो हमारे पास से पैसा उठा ले जाते हैं, ये वीडियो में प्रूफ करके बताया है। और वो कैसे बात करते हैं वो देखिए इस वीडियो में। की तरफ से आपको 8999 रुपए का कैशबैक दिया गया सर, आप पे पर क्लिक तो करिए। अरे सर, पे क्लिक करेंगे तो सर ये तो मेरे अकाउंट से पे हो जाएगा ना, मेरे अकाउंट से कट जाएगा। आप कैशबैक दे रहे हैं या फिर सर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फोन पे कैशबैक ऐसे कब से मिलने लगा? अरे सर, वो जब आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में पे होगा। हम आपको समझा रहे हैं, आपकी समझ में आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों इतनी देर से हम आपको समझा रहे हैं। आप पे पर क्लिक तो करिए। सर पे क्लिक करेंगे तो मेरे अकाउंट से पे होगा ना, आप कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में पे हो जाएगा, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ सर। सर आपके अकाउंट में ही पे होगा, आप सर हमारे पर ट्रस्ट तो करिए। सर मैं फोन पे कंपनी से बात कर रहा हूँ। सर फोन पे कंपनी से बात कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? सर मेरा बादल श्रीवास्तव नाम है। बादल श्रीवास्तव जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से ऑफिस से बात कर रहे हैं? सर मैं मुंबई के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, फोन पे कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो फोन पे कंपनी से बात कर रहे हैं और आप पे क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं और आपका ये नंबर तो मुझे ये पूरा का पूरा फर्जी लग रहा है। सर देखिए सर, क्या होता है सर, हम फोन पे कंपनी के कस्टमर केयर हैं, तो सर हमारा जो नंबर होता है सर वो फर्जी नहीं, कंपनी का नंबर है सर। कंपनी का नंबर सर आप भी जानते होंगे, कंपनी का नंबर तो ये लग ही नहीं रहा है, 1800 से स्टार्टिंग कुछ होता है कंपनियों का नंबर। ये तो तुम्हारा 12-15 नंबर का पता नहीं है कौन सा नंबर है और ये बता रहे। सर देखिए सर, फोन पे कंपनी का नंबर है सर, इसीलिए सर आपको इतना शो हो रहा होगा। अच्छा अच्छा, सर आपको लेना है कैशबैक कि नहीं लेना है? सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। नहीं, कैशबैक तो मुझे लेना है, लेकिन ये पे क्लिक करने से मेरे अकाउंट से तो नहीं कटेगा। अरे सर क्या बात करते हैं सर। अच्छा। पे का मतलब हम आपको बताते हैं सर, आप पे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं सर। पे का मतलब है कि ये जो 8999 रुपए का जो कैशबैक है वो सर आपके अकाउंट में ही पे होगा, मतलब। अच्छा अच्छा जी सर, चलो ठीक है, मैं पे क्लिक करता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर आपके ऊपर मैं कंप्लेंट कर दूंगा। जी सर बिल्कुल आप कर सकते हैं सर, पे पर आप क्लिक। तो यहाँ तो मेरे अकाउंट में आया नहीं, यहाँ पे प्रोसीड टू पे लिख के आने लगा नीचे। और यहाँ सर जहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे लिखा दिख रहा है सर, हाँ, वहाँ पर आप क्लिक करिए सर। अच्छा, प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे तो फिर ये क्या होगा सर? वो आपके बैंक अकाउंट में सर आ जाएगा सर। आप क्लिक तो करिए। अच्छा एक मिनट, मैंने पे क्लिक करने पे ये तो मेरा अकाउंट नंबर दिखाने लगा और यहाँ पे लिख के आ रहा है पे 8999 लिखा यहाँ पे। जी सर आपका अकाउंट नंबर दिख रहा है ना सर? हाँ जी सर, तो उसी अकाउंट नंबर के ऊपर जो आपका बैंक अकाउंट है उसी के अंदर पर आपका 8999 रुपए पे हो जाएगा सर। अच्छा 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 जी सर, तो फिर से सर क्लिक करिए। अच्छा फिर से पे क्लिक करना है? जी सर, फिर से आप पे पर क्लिक करिए। ठीक है, मैं पे क्लिक कर रहा हूँ। जी सर। अरे सर ये तो यूपीआई पिन मांगने लगा, यूपीआई पिन क्यों मांग रहा है? सर देखिए, वेरिफिकेशन सर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होगा कि सर ये आपका अकाउंट है कि नहीं है, इसलिए सर यूपीआई पिन मांगा जा रहा है। सर यूपीआई पिन डालिए सर, वैसे अच्छा, आप अच्छा। यूपीआई पिन डालते हैं वैसे हाँ। सर आपके बैंक अकाउंट में सर 8999 रुपए सर जमा हो जाएंगे सर, ये वेरिफिकेशन के लिए सर पिन मांगा जा रहा है। अच्छा अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए मांगा जा रहा है, यानी कि पिन डालेंगे तो क्या होगा, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा? जी सर, जैसे आप पिन डालेंगे सर वैसे क्या होगा कि अच्छा। सर ये वेरिफिकेशन होगा कि मतलब सर ये आपका अकाउंट है कि नहीं आपका अकाउंट है। अच्छा। ये कंफर्म हो जाता है कि सर आपका अकाउंट हाँ, है वैसे आपके बैंक अकाउंट में सर 8999 रुपए पे हो जाएंगे सर। अच्छा 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 जी सर। अगर नहीं हुआ पे, मेरे अकाउंट से कट गया तो फिर क्या होगा?
सर आप हमारे ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है सर, आपको फोन पे कंपनी अच्छा। के ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या? अच्छा सर? अच्छा कंप्लेन कर सकते हैं, ये आपके फर्जी नंबर के ऊपर मैं कंप्लेन करूंगा, या पता नहीं कैसे फर्जी नंबर से फोन किया, ये फेक नंबर लग रहा है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर, ये फर्जी नंबर नहीं है सर, आपको नहीं, ये फर्जी नंबर है, ये 12-15 ये कम से कम 12-15 नंबर का कम से कम ये है, या अंकों का तुमने 15 अंकों का कम से कम तुमने फोन मिलाया, ये क्या लोगों को बेवकूफ समझ रखे हो, लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल ले हो, ये हरामखोरी तुम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ। सर देखिए आप ब्लेम लगा रहे हैं हमारे ऊपर सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं सर, हमको फ्रॉड नहीं बोल सकते नहीं, सर, आप अगर हमें फ्रॉड बोलोगे तो आपके ऊपर केस कर देंगे सर, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो अच्छा। सर आप एक मिनट हमारी बात सुनिए सर, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है हाँ। तो सर एक मिनट आप बात सुनेंगे हमारी? हाँ बताइए। सर देखिए अगर आपको ट्रस्ट हमारे ऊपर नहीं हो रहा तो सर एक बार आप यूपीआई पिन डाल के देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हम फ्रॉड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जैसे आप यूपीआई पिन डालेंगे वैसे सर आपके बैंक के अच्छा, अच्छा। 8,999 रुपए अच्छा, अच्छा। जमा हो जाएंगे सर। अच्छा 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 ये बैलेंस लेने के लिए कब से यूपीआई पिन डालने की जरूरत पड़ने लगी? ये तो देखिए यूपीआई पिन सुनिए, यूपीआई पिन तभी डाला जाता है जब पैसा बैलेंस चेक करना होता है या फिर किसी को बैलेंस ट्रांसफर करना होता है, ये इस तरीके से पैसा लेने के लिए कभी यूपीआई पिन नहीं डाला था, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम, ये 8,999 रुपए ये मेरे अकाउंट से कट जाएंगे, यहाँ पे लिखा है कि टोटल पेबल अमाउंट, और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है टू से, यहाँ पे सेंडिंग लिख के आ रहा है, सेंडिंग यानी कि मैं पैसा भेज रहा हूँ, यूपीआई पिन डालूंगा मेरे अकाउंट से कट जाएगा, यहाँ पे लिखा यू आर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम योर अकाउंट, यहाँ पे लिखा है पूरा का पूरा लिखा हुआ है साफ साफ। सर मेरा आप दिमाग खराब कर रहे हैं इतनी देर से, आपकी समझ में नहीं आ रहा है? सुन मैं जानता हूँ कि तू फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है ठीक है, लेकिन बेटा तेरी ये जो बेवकूफ बनाने की जो ये कला है ना ये मैं पूरा जान गया हूँ, और ये तेरा नंबर लोग तुझे पता चल गया? हाँ पता चल गया कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ? हाँ तू फ्रॉड कर रहा है बेटा, मैं और सुन तेरा मैं पूरा ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं वायरल करूंगा पूरा हर जगह पे, समझा, हर जगह पे। हाँ तेरा ये वीडियो में ना सुन तेरा ये वीडियो में बड़े बड़े ग्रुपों में डालूंगा ठीक है, फेसबुक पे और जगह पे। तू पहले मेरा नंबर चेक कर ले ठीक है, हाँ। इस नंबर पर ना कोई FIR हो सकती है ना कुछ हो सकता है, फेक नंबर है ये, लाइफ में कभी लग भी नहीं सकता ना तो ट्रैक हो सकता है। अच्छा अच्छा तेरी आवाज तो बेटा रिकॉर्ड हो गई है ना, तू जहाँ पे रहता होगा लोग तो तुझे जानेंगे ना, तू फ्रॉड काम करता है ठीक है। वॉइस चेंजर लगा के हम बात। अच्छा 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 चल बेटे तू जो आवाज की और हाँ मेरी आवाज ओरिजिनल तुम्हारे पास नहीं जा रही है ना, सुन तू जो फ्रॉड तुम जो ये फ्रॉड कर रहे हो कम से कम लोगों को तो पता चलेगा कि किस तरीके से तुम लोगों को आजकल बेवकूफ बना रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ, तुम्हारे जैसे लाखों चूतियां फंसते हैं हमारे पास, अभी तू ही नहीं फंसा ना। सुन अब कोई नहीं, सुन ये वीडियो देखने के बाद कोई नहीं फंसेगा, मत कर, सुन दिमाग तूने बहुत खराब कर दिया मेरा, बता सुन जो ये फोन पे का फ्रॉड तू कर रहा है ना बेटा, ये जो फोन पे का फ्रॉड 8,999 रुपए का, ये वीडियो देखने के बाद कोई नहीं फंसेगा ठीक है, चाहे जो बेटा तू कौन देखेगा तेरा वीडियो, ये बता कौन देखेगा तेरा वीडियो, मेरा वीडियो लोग शेयर करेंगे, लोग बड़े बड़े ग्रुपों में लोग जानेंगे ठीक है, तू जानता नहीं, वायरल कर दूंगा तुझे बेटा, तुझे दिक्कत होने लगेगी समझा, करके तू दिखा, तू पकड़ा जाएगा। एक बात मेरी और सुन हाँ, अगर मेरा ये वीडियो पड़ गया हाँ कहीं पर भी पड़ गया हाँ, तो मैं तेरा पूरा फोन हैंग कर लूंगा ठीक है, अच्छा बर्बाद कर दूंगा। अच्छा तू उल्टा चोर कोतवाल नहीं बनना चाहिए, मैं समझाए दे रहा हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तू मुझे धमकी दे रहा है बेटा, चल तू फोन रख ठीक है, अब तुझे पता चलेगा, मैं तो मेरा वीडियो पढ़ना जा ठीक है। हाँ चल अभी तुझे पता चलेगा, ये जो फ्रॉड कर रहा है ना, ये देखिए इसने कॉल कट कर दिया।